हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा और आप देख रहे हैं टेक प्रतीक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ताज़ा टेक न्यूज़ के बारे में। उससे पहले आप जाकर सब्सक्राइब बटन दबा लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रियलमी का 43 इंच का टीवी बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। अगली खबर आ रही है वीवो की तरफ से, वीवो का V19 ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो चलिए अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को जान लेते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 712, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ में क्वाड कैमरा होने वाला है इसमें। 48MP प्लस 8MP प्लस 2+2 ये होगा इसका क्वाड कैमरा सेटअप। और सेल्फी कैमरा की बात कर लें तो इसमें होगा ड्यूअल सेल्फी कैमरा। जी हाँ, 32+8MP का ड्यूअल पंच होल सेल्फी कैमरा इसमें आपको मिलने वाला है। बहुत ही शानदार सेल्फी कैमरा रहने वाला है। उसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका प्राइस 20,000 से नीचे रहेगा। अगली खबर आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। जी हाँ, इन्फिनिक्स के दो फ़ोन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुके हैं, जिनका नाम है नोट 7 एंड नोट 7 लाइट। नोट 7 आ रहा है बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको मिल रहा है हीलियो G70 प्रोसेसर, HD प्लस स्क्रीन है वो भी 6.95 इंचेस की। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 7 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है, बहुत ही बड़ी स्क्रीन है। और इसका बॉडी रेशो है 91.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशो। 480 निट्स ब्राइटनेस मिल रही है। जी हाँ, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। 6GB रैम, 5000mAh बैटरी, पंच होल सेल्फी कैमरा एंड 48MP बैक कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है आपको इसके बैक में। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है 10,000 से थोड़ा ऊपर। और नोट 7 लाइट का प्राइस थोड़ा सा 10,000 से नीचे रहेगा, क्योंकि उसमें यूज़ करा गया है P22 प्रोसेसर। और इसमें यानी कि नोट 7 में आपको प्रोसेसर मिल रहा है G70। तो अब चलते हैं अपनी टेक न्यूज़ नंबर 4 की तरफ, जो आ रही है रियलमी की तरफ से। जी हाँ, रियलमी नार्जो 10A एंड रियलमी नार्जो 10, ये दोनों ही फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। लॉकडाउन के ख़त्म होते ही ये लॉन्च हो जाएंगे। आई थिंक ये अप्रैल 15 में लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में। और उसके साथ में ही रियलमी नार्जो का एक और फ़ोन जो कि गेमिंग फ़ोन होने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा मई में। अब बात कर लेते हैं अपनी टेक न्यूज़ नंबर 5 के बारे में, जो कि आ रही है MIA 4 की तरफ से। ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, आई थिंक ये आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा। गैलेक्सी बर्ड्स बीन लीक हुए हैं सैमसंग की तरफ से। ट्रूली वायरलेस ईयरफोन होने वाले हैं बीन की शेप में। वन प्लस वायरलेस ब्लूटूथ और आई कैन से वन प्लस ब्लूटूथ वायरलेस सेट, जी हाँ, ये लॉन्च होने वाले हैं वन प्लस सीरीज़ के साथ में। और इनका बैटरी पैकअप होने वाला है 20 घंटे और ये सपोर्ट करेंगे वार्प चार्जिंग को भी। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और ये 14 अप्रैल को लॉन्च होने वाले हैं। साथ ही इसको 10 मिनट चार्ज करने के बाद आप लगातार 10 घंटे तक म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी टेक न्यूज़ नंबर 8 की। गूगल मैप्स की तरफ से अगला अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके साथ में गूगल सर्च और गूगल असिस्टेंट भी इंक्लूड है। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको बताएगा कि COVID-19 के लिए फूड एंड नाइट शेल्टर कहाँ कहाँ पर है। इंडिया में 13 शहरों में ये अवेलेबल है। अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ती है तो गूगल आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुँचा देगा। चलते हैं अपनी टेक न्यूज़ नंबर 9 की तरफ। बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की तरफ से। जी हाँ, अब आप अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं नियर बाय ATM पर जाकर। आपको कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो की। जियो ने 9 बैंक्स के साथ में पार्टनरशिप की है, तो आप अपने नज़दीकी ATM में जाकर अपने फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं अगर आपका सिम जियो का है। लेकिन थोड़ा सावधानी से जाएं और अपनी तशरीफ का ज़रा ख्याल रखें। वोडाफोन और आइडिया ने भी 7 अलग अलग बैंक्स के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। ICICI, SBI, एक्सिस, सिटी, DCB, HDFC, IDBI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगर आपके पास वोडा या आइडिया का सिम है और पास में ही इन बैंक्स का ATM है, तो आप वहां जाकर अपने फ़ोन में रिचार्ज कर सकते हैं ATM के द्वारा। एयरटेल ने सिर्फ 2 बैंक्स के साथ में पार्टनरशिप की है, ICICI एंड HDFC। तो बात कर लेते हैं अपनी अगली टेक न्यूज़ की, जो आ रही है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, एप्पल की तरफ से एक बड़ी ही कमाल की खबर आ रही है। लंदन में एक लेडी रिवर के पास गई और उनका आईफोन गलती से रिवर में गिर गया। उनको ढूंढने पर भी वो फ़ोन नहीं मिला, लेकिन 2 महीने के बाद में जब उस रिवर का वाटर लेवल कम हुआ और उन्होंने तब ढूंढा, तो उन्हें वो फ़ोन मिल गया। और कमाल की बात यह है कि उस फ़ोन के सारे फीचर्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, बस उसकी बैटरी लो हुई थी क्योंकि वो 2 महीने से रिवर में पड़ा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एप्पल कितना अच्छा काम करता है कि 2 महीने तक पानी में गिरे रहने के बाद भी वो फ़ोन ख़राब नहीं हुआ, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो फ़ोन चालू हालत में है, चार्जिंग पर लगाने के बाद में वो चल गया और वो बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है। तो चलते हैं अपनी टेक न्यूज़ नंबर 11 की तरफ। ये फिर से आ रही है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, iPhone 12 एंड iPhone 12 Pro Max, इनमें होगा क्वाड कैमरा सेटअप। कॉन्सेप्ट आईफोन से पता चल रहा है। 9to5 Mac ने इनको रिपोर्ट किया है
तीन कैमरा नॉर्मल होंगे, एक होगा वाइड कैमरा, दूसरा होगा अल्ट्रा वाइड, तीसरा होगा टेलीफोटो और चौथा कैमरा होगा लिडार सेंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिडार सेंसर क्या होता है, तो लिडार सेंसर बेसिकली लेज़र बीम से डिस्टेंस मेजर कर लेता है। अगर आप 3D घर का प्लान बना रहे हैं तो उसमें आपको लिडार सेंसर बहुत हेल्प कर सकता है 3D घर का मैप बनाने में। अब आप घर पर ही पैसे मंगवा सकते हैं, आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। SBI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, ICICI, HDFC इन बैंक से आप घर पर ही पैसा मंगवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीज़न है या घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या ऐसी किसी भी क्राइटेरिया में आप आते हैं जो कि बैंक की गाइडलाइंस में बताए गए हैं, तभी आपको ये सर्विस मिल सकती है। कस्टमर केयर पर कॉल करके बोल सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के द्वारा भी मंगवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अब चलते हैं अपनी लास्ट टेक न्यूज़ की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ुमैक शाह ने ट्वीट करके कंफर्म किया है कि रेडमी K30 प्रो इंडिया में भी रेडमी K30 प्रो के नाम से ही रिलीज़ होगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की टेक न्यूज़, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, अगर आपको उनकी स्पेसिफिकेशंस को जानना है और आपको देखनी है टेक न्यूज़, तो आप इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।